अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मोहम्मद हसन, योर कंप्यूटर साइंस ट्यूटर। आई होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट, आज हम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला पॉइंट इसका है इजी टू लर्न। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो सीखने में आसान होती है। हाई लेवल लैंग्वेज आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज आर फार फ्रॉम मशीन लैंग्वेज। ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तरीन होती है और मशीन लैंग्वेज के दूर होती है। दीज आर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज एंड ईजियर टू लर्न। इंग्लिश की तरह की ये लैंग्वेज होती है और सीखने में आसान होती है। नेक्स्ट आती है इजी एरर डिटेक्शन। इसमें एरर को ढूंढना और ख़त्म करना आसान है बनिस्बत लो लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज आर ईजी टू रीड एंड मॉडिफाई। इसको पढ़ना और सही करना आसान है। इट मेक इट ईजी टू फाइंड एरर इन प्रोग्राम। और ये चीज़ जो है हमें इसको बनाती है आसान बनाती है कि इसमें एरर को तलाश कर सकें। ये प्रोग्राम लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है स्टैंडर्डाइज सिंटैक्स। सिंटैक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज बनाया हुआ है बुनियादी। दिस लैंग्वेज डिस्क्राइब ए वेल डिफाइंड वे ऑफ राइटिंग प्रोग्राम। इस हर एक हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक अच्छी तरह प्रोग्राम लिखने का जरिए बताया हुआ है कि किस तरीके से हमने प्रोग्राम राइट करना है। एन इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आल्सो नोन एज ANSI। ये एक अदारा है जो कि स्टैंडर्ड बनाता है। जिस तरह आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा ग्राम किलोग्राम वगैरह, तो ये कंप्यूटर के अंदर भी ये स्टैंडर्ड बनाते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज के। ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट चलते हैं डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम लो लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पर हमें जो डीप नॉलेज होगा मशीन के आर्किटेक्चर का उसके बारे में हमें नॉलेज होना लाजमी था। इसमें डीप नॉलेज हमें नहीं चाहिए। दी लैंग्वेज डू नॉट रिक्वायर डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। ए प्रोग्रामर कैन राइट एफिशिएंट प्रोग्राम विदाउट ए डीप नॉलेज ऑफ हार्डवेयर। प्रोग्रामर जो है वो आसानी से मौसर प्रोग्राम लिख सकता है हार्डवेयर को डीप नॉलेज हासिल किए बगैर। ही कैन कंसनट्रेट ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। उसमें तोजह देगा प्रॉब्लम किस तरह सॉल्व होगी, ना कि एंड रेदर देन कंसर्निंग द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। और ना कि ये उसको ये कंसर्न करेगा कि मशीन और ह्यूमन के दरमियान किस तरह बातचीत करवानी है हमने। नेक्स्ट आती है मशीन इंडिपेंडेंट क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंट। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर। जो मशीन लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम लिखते थे उसमें क्या होता था, वो उसी सिस्टम के ऊपर चलता था जिसके ऊपर बनाया गया था। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम किसी भी प्रोग्राम किसी भी सिस्टम को बना सकते हैं और जिस मर्जी सिस्टम के ऊपर उसको चला सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इंटेल को बनाया तो हम HP के ऊपर और डेल के ऊपर भी चला सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी मोर प्रोग्रामर। प्रोग्रामिंग इन लो लेवल लैंग्वेज इज़ डिफ़िकल्ट। लो लेवल लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट था, मगर हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर इसको ईजी है इसको सीखना। ये इनक्रेज करता है लोगों को कि वो इसको सीखे। सो मैनी प्रोग्रामर ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज आर अवेलेबल। इसी वजह से क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज के जो प्रोग्रामर वो ज़्यादा अवेलेबल हैं एज़ कम्पेयर टू लो लेवल लैंग्वेज के। शॉर्टर प्रोग्राम। प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज आर शॉर्टर देन लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है जी, हाई लेवल लैंग्वेज की नस्बत जो लो लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता था वो ज़्यादा लेंथी होता था। जो उसकी हाई लेवल लैंग्वेज की एक इंस्ट्रक्शन है, एक हदायत है, वन इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इज इक्वलेंट टू मैनी इंस्ट्रक्शन ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। एक हदायत जो है वो लो लेवल कई हदायत के बराबर है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का आपका लेक्चर था। होपफुली कि आपको समझ लगा होगा। अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।